एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में जो रेस्ट 50 क्वेश्चन बचते हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम चला, इनफैक्ट थोड़ा नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पा रही है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हमने किया था कि पेंक्रियास जो है यूट्रोक्राइन ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन एक्ट करती है। जो उसका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो उसका एंडोक्राइन पार्ट होता है, जहाँ पे दो तरह की सेल्स होती है जो आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी। रोल ऑफ इंसुलिन की बात करें अगर तो क्या है, वो ब्लड शुगर लेवल को लो कर देता है। अगर ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है बॉडी में तो इंसुलिन जो है उसको लो कर देता है, और अगर ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है तो ग्लूकागॉन उसको हाई करता है। मतलब इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों ये हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा है। तो दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल। ये दो तरह की सेल प्रोड्यूस होती है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, वन इज अल्फा दूसरी बीटा सेल्स। अब ये जो अल्फा एंड बीटा सेल्स होती है ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक इंसुलिन एक ग्लूकागॉन। और कौन सी सेल है जो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करती है, तो अल्फा सेल आपके ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करती है और बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज हिपेटोसाइट्स। तो मैंने आपको बोला है कि जो हिपैटिक वर्ड है दैट इज रिलेटेड विद लिवर, तो लिवर की जो सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स जिसको बोल रहे हैं, वो क्या होती है जब वहाँ पे एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन होता है, ठीक है, ग्लूकागॉन का एक्शन होगा तो वो स्टिमुलेट कर देगा किस प्रोसेस को, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस को स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हाइपरग्लाइसेमिया। इसीलिए इस हार्मोन को, ग्लूकागॉन को, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपर मतलब इंक्रीज कर रहा है, हाइपो डिक्रीज, ये वर्ड दोनों आपको याद रखने की। हाइपो मीन्स डिक्रीज करना, किसी चीज़ की कमी हो जाना, और जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ते हैं, तो हाइपर में कंडीशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाना, हाइपो में कम हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्ट्स इन डायबिटीज मेटालिस। जो नॉर्मल डायबिटीज डिजीज बोलते हैं हम, वो हो जाता है अगर काफ़ी टाइम से ये कंडीशन चली है तो। डायबिटीज मेटालिस रिजल्ट्स द लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। अब ये कंडीशन में क्या होता है कि यूरिन में मैक्सिमम जो ग्लूकोज है वो लॉस हो जाता है थ्रू यूरिन, ये इसका मेन फीचर रहता है। वेयर द टेस्टिस इज प्रेजेंट, सो टेस्टिस इज प्रेजेंट द स्क्रॉटल सैक। और ये इसलिए एब्डोमिनल पार्ट में होता है ताकि वहाँ पे जो लो टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस वो मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट इज मेल सेक्स हार्मोन आर एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। अदर टर्म्स यूज फॉर मेल सेक्सुअल बिहेवियर्स दैट इज लिबिडो। नेक्स्ट नेम द फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। विच हार्मोन हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, सो एस्ट्रोजन इज हेल्पफुल फॉर दैट। द स्ट्रक्चर विच सिक्रीट्स मेनली प्रोजेस्ट्रॉन, तो कॉर्पस ल्यूटियम। जब आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास प्लस टू एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें जो ओवरी वाला पोर्शन है वहाँ पे ये हार्मोन्स का रोल वहाँ पे भी होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ये सब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये हार्मोन्स के क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं। सेम क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, जो प्रोजेस्ट्रॉन कौन सीक्रेट कर रहा है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीमेल सेक्स हार्मोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, सो प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज होमियोस्टासिस मेंटेन बाय बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो होमियोसिंथेसिस का मतलब है कि बैलेंस ब्लड शुगर लेवल या और भी चीज़ें होती हैं ब्लड में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनका बैलेंस बना रहना, तो दोनों ही अगर कम हो जाए तो एक बढ़ा देता है, तो दोनों मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी इज गिवन फॉर विच डिजीज, तो डायबिटीज मेटालिस के लिए इंसुलिन थेरेपी देते हैं। ओके, नेक्स्ट, एट्रियल वॉल ऑफ आर हार्ट सेक्रेट विच हार्मोन। तो जो एट्रियल वॉल्स होती हैं हार्ट की, वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती हैं, दैट इज ANF, दैट इज एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ANF हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, विच हार्मोन हेल्प्स इन द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है तो ANF वहाँ पे इसका मेन रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ RBCs। विच बॉडी स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स,
दैट इज किडनी, ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में. लिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द इरिथ्रोपोएसिस, सो इरिथ्रोपोइनिन इसका आंसर है. नेक्स्ट, व्हाट इज CCK, दैट इज कॉलीसिस्टोकाइनिन. कॉलीसिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन बोथ द पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ फैक्टर हेल्प्स इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, ऑब्वियसली नॉर्मल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं. नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ HCL एंड पेप्सिनोजन, सो गैस्ट्रिन इसका आंसर है. हार्मोन कौन सी सेल्स जो है वो HCL सेक्रेट करती हैं, तो ऑक्सेंटिक सेल्स ऑफ द वॉल ऑफ जो आपका स्टमक है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो ऑक्सेंटिक सेल्स ऑफ स्टमक कह लो. हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड ओनली इन टारगेट टिश्यू, सिर्फ टारगेट, क्योंकि हार्मोन जहाँ पे टारगेट टिश्यू पे जाएगा तो वहीं पे रिसेप्टर सेल्स सिर्फ प्रेजेंट होती हैं बॉडी में. नेक्स्ट, नेम द गोनाडोट्रोपिन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, टेस्टिस एंड ओवरी, दो ही ये स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के. ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन कौन है, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन. टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सी है, दैट इज प्लेसेंटा, तो ये सिर्फ जो है जब मदर वूम में, ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, उसी टाइम पे टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है, तो आपको पता है, और ये एंडोक्राइन एक्ट करता है. नेक्स्ट, एंड्रो जो आपका एंड्रोनोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. और जो टर्म हार्मोन है वो किसने दिया, स्टालिन ने दिया है 1905 में. बाय विच डिवाइस वी कैन मेजर द हार्मोन लेवल, तो वो है आपका RIA, दैट इज रेडियो इम्यून एसे, ठीक है. प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन, दो एक टर्म्स है प्रोटीन हार्मोन्स कैटेगरी, अगर हार्मोन की कैटेगरी के बारे में बात करें, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, तो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं. ये पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं, ये शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनोस, छोटी सी चेन से, आपको पता है पेप्टाइड एंड जो प्रोटीन वर्ड है वो दोनों ही पेप्टाइड रिलेटेड है प्रोटीन से. तो पेप्टाइड हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब अमाइनो एसिड जो है वो छोटी सी उसकी कोई चेन होगी, ठीक है. अगर ये चेन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड ज्वाइन है, बहुत ज़्यादा लंबी चेन होगी, तो उसको हम प्रोटीन बोलेंगे. और प्रोटीन हार्मोन जिनमें ज़्यादा और ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे वो प्रोटीन हार्मोन्स होंगे, कम होंगे वो पेप्टाइड हार्मोन होंगे, ठीक है. पॉलीपेप्टाइड, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी तो प्रोटीन हार्मोन बोलेंगे. नेक्स्ट, द ग्लैंड प्रेजेंट नियर लैरिंग्स इज थायरॉइड ग्लैंड, और पैराथायरॉइड ग्लैंड भी होती है वहाँ पे, ठीक है. टॉक्सिक गोइटर इज कॉज्ड बाय, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन. नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस लीटियम, तो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया है, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप खुद ढूंढेंगे क्योंकि मैंने पीछे भी डिस्कस किया. रोल ऑफ रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन का रोल क्या होता है, इट हेल्प्स इन द पार्चुरेशन. फ्रॉम डैश ग्लैंड कैल्सिटोसिन प्रोड्यूस, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से कैल्सिटोसिन प्रोड्यूस होता है और इसका रोल क्या होता है, इट मेंटेन्स द ब्लड कैल्शियम लेवल. पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, तो कैविटी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कहाँ पे होती है. और जो अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें, स्कल की बात करें, तो वहाँ पे स्फिनॉइड बोन में वो सिचुएटेड होती है जो कि हमारे स्कल का पार्ट है. मास्टर ग्लैंड ऑफ आर बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, नॉर्मल से क्वेश्चन है. हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट ऑर्गन थ्रू ब्लड, ब्लड प्लाज्मा, याद रखना, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जो है वो टारगेट सेल तक हॉर्मोन जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं. ड्वार्फिज्म इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सोमेटोट्रॉपिक हॉर्मोन. नेक्स्ट, STH इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट, हार्मोन दैट प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर आर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स. नेक्स्ट, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है पहले, दैट इज लिवर. अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछेंगे थायरॉयड. स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड गॉबलेट सेल, जो कि यूनिसेलुलर होती है, ठीक है. और गॉबलेट सेल्स क्या फंक्शन इनका होता है, इट्स क्रीट म्यूकस, ठीक है, म्यूकस क्रीट करती है. और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है, मिडल में आपके जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है उसके साथ में ही रहती है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.